हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आज का वीडियो है हाईली रिक्वेस्टेड रेसिपी और इसका की इंग्रेडिएंट भी है बच्चों का फेवरेट, बड़ों का फेवरेट चीज़। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ से डिफरेंट सैंडविचेस बनाएंगे। बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और उनकी छोटी छोटी भूख के लिए ये सैंडविचेस झटपट से बन जाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा सैंडविच बनाऊंगी जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए मैं ये वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आटा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आज घर में यही अवेलेबल थी इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक स्लाइस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। ये मैं वीबा की पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अच्छे से पूरे स्लाइस पर स्प्रेड कर लूँगी और अब एक टीस्पून टमाटो केचप को भी मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। आप चाहें जो आपके बच्चे खाते हों आप वही वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, या मैं कहूंगी जो वो नहीं खाते आप वो वेजिटेबल्स इसमें ऐड कीजिए क्योंकि वो चीज़ के साथ सब कुछ खा जाएंगे। मैंने इसमें ऐड किया है कुछ अनियन और कुछ कैप्सिकम। आप चाहें तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इस पर एक पिंच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और एक पिंच ब्लैक पेपर ऐड किया है मैंने और थोड़ा सा ऑरेगानो मैं इस पर स्प्रिंकल करूंगी। इससे बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आएगा। अब मैं उसके ऊपर अमूल चीज़ स्लाइस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें एक या दो स्लाइसेस जितना आप चाहें उतना आप लगा सकते हैं। मैं आज दो स्लाइसेस ऐड करूंगी और इसके बाद इसे हल्का सा प्रेस कर दूंगी। और अब मैं इस पर अमूल का बटर लगा रही हूँ और इसे नॉनस्टिक पैन पर मैं दोनों तरफ से लो फ्लेम पर सेक लूँगी। तवा बिल्कुल ज़्यादा तेज़ मैंने गरम नहीं किया है, बहुत ही लो फ्लेम पर है ये और बहुत ही कम गरम है। इससे हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और ब्रेड भी जो है अच्छे से ब्राउन कुरकुरी हो जाएगी। अब मैंने इसकी दूसरी साइड पर भी बटर लगा दिया है और मैं इसे कवर करके 2 मिनट तक पकाऊंगी। फ्लेम मैंने लो ही रखा है। 2 मिनट बाद देखिए आप ऊपर का बटर मेल्ट हो गया है और ब्रेड जो है दूसरी तरफ से बिल्कुल कुरकुरा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे 2 मिनट तक फिर ढककर पकाऊंगी ताकि हमारा दूसरा साइड भी जो है अच्छे से कुरकुरा हो जाए। ये देखिए बिल्कुल हमारा चीज़ जो है इस वक्त पूरा मेल्ट हो चुका है और एक चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा की तरह दिख रहा है। बच्चों को चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा तो बहुत ही पसंद आता है। मेरे बच्चे तो चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा के फ़ैन हैं तो जब भी वो बोलते हैं तो मैं उन्हें इसी तरह का सैंडविच बना के देती हूँ। उन्हें बहुत टेस्टी लगता है। आप ये सैंडविच ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। आई एम श्योर ये आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। इसमें आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करके इसे थोड़ा और हेल्दी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बनाऊंगी बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला सैंडविच। इससे जल्दी कोई भी सैंडविच नहीं बनता है फ्रेंड्स। इसमें मैंने यूज़ किया है कुकुम्बर और टमाटो का। इसे मैंने पील करके वॉश कर लिया है और मैं इसे बिल्कुल थिन स्लाइसेस में काट रही हूँ और इसके लिए मैंने एक स्लाइसर का यूज़ किया है। आप चाहें तो नाइफ से भी कर सकते हैं बट स्लाइसर से ये बहुत ही थिन और इक्वल पीसेस कटते हैं तो ये बच्चों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें भी मैं वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ और मैंने लिया है अमूल का चीज़ स्प्रेड। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। इसमें मैंने ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स को कट कर लिया है, इससे ये काफ़ी सॉफ्ट फील होता है सैंडविच और इसे मैं स्लाइस पर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। और अब मैं इस पर ऐड कर रही हूँ एक पिंच सॉल्ट और एक पिंच ब्लैक पेपर। आप चाहें तो ऑरेगानो भी डाल सकते हैं। अब मैं इस पर कुकुम्बर और टमाटोज़ के स्लाइसेस को ऐड कर दूंगी। आपके बच्चे अगर अनियन खाते हैं तो आप अनियन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इन्हें ग्रिल भी कर सकते हैं या तवा पर बटर लगाकर इन्हें रोस्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज एज इट इज़ भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इन्हें बच्चों के लंच में दीजिए या बच्चों के स्नैक्स में इन्हें दीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी हैं अगर आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करें तो।
नेक्स्ट हम बनाएंगे ये चीज़ी टोस्ट। ये भी खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं, और इसके लिए मैंने लिया है ग्रेटेड पनीर, ग्रेटेड कैरेट और कैप्सिकम और अनियन को मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसमें मैं यूज़ करूँगी मेयोनीज, ये मैं वीबा की मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसकी थिन लेयर दोनों स्लाइसेस पर लगा लूँगी। और अब मैं उसके ऊपर ग्रेटेड पनीर और बाकी की सारी वेजिटेबल्स भी लेयर कर दूंगी एक एक करके। इस टोस्ट में भी आप कुकुम्बर को ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, टमेटो को चॉप करके डाल सकते हैं। अगेन वेजिटेबल्स की चॉइस आपकी है, आप जो चाहें वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं कॉर्नर्स को खाली छोड़ दूंगी क्योंकि आज मैं टोस्ट बना रही हूँ। अगर आप तवे पे बना रहे हैं या ग्रिल कर रहे हैं तो आप कॉर्नर्स पर भी अच्छे से वेजिटेबल्स को स्प्रेड कर सकते हैं। और अब मैं इस पर ऐड कर रही हूँ एक पिंच सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो ऐड करूँगी मैं। अब मैं दूसरे स्लाइस को इससे कवर कर दूँगी और हल्का सा प्रेस करके इस पर बटर लगाऊँगी, और उसके बाद मैं इसे टोस्टर में टोस्ट कर रही हूँ। ये नॉर्मली हम सभी के घर में होता है, अदरवाइज आप इसे तवे पे बना सकते हैं। आप इसे अपने टोस्टर की सेटिंग के हिसाब से टोस्ट कर सकते हैं। मेरे टोस्टर में ये 2 मिनट में बिल्कुल कुरकुरे और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं चलती हूँ अब, और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।